आज मैं अपने चैनल में बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और यमी स्ट्रीट स्टाइल मिनी समोसा चाट, जो बहुत ही टेस्टी और चटपटा लगता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़रूर फुल वॉच करिए और प्लीज़ हमारे चैनल पे ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, आप लोग सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इन्जॉय करिए बहुत ही टेस्टी नए तरीके का चाट। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल श्री किचन, होप यू आर फाइन। तो आइए चलते हैं टेस्टी और चटपटा मिनी समोसा चाट बनाने। तो मिनी समोसा चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम मिनी समोसा बनाएंगे। तो मिनी समोसा बनाने के लिए यहाँ मैंने एक थाल ले लिया है और उसमें मैंने मैदा ले लिया है आधा किलो, और यहाँ हमने लिया है नमक बिल्कुल एक छोटा स्पून आपको लेना है, ये है मंगरेल, इसे भी आपको एक छोटा स्पून लेना है। और यहाँ मैंने जो हमारा मैदा था उसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून आपको घी से भी आप मैन कर सकते हैं या जो रिफाइन ऑयल होता है उससे भी मैन कर सकते हैं 2 से 3 टेबलस्पून लेकर, और जब तक एक अच्छी बाइंडिंग ना आ जाए तब तक आपको उसमें मैन करते रहना है। मैन करते समय हम यहाँ छोटी स्पून डालेंगे मंगरेल। मंगरेल डालने के बाद अब हम इसे बढ़िया से रगड़ते हुए बाइंडिंग दे देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा मैदा हमें बाइंडिंग आ रहा है, मतलब हमारा ये जो मैदा था वो परफेक्ट तरीके से तैयार हो गया है खस्ता समोसा के लिए। और आप मैन अच्छे से करिएगा तभी आपके समोसे बहुत अच्छा खस्ता तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे मैदे में बढ़िया बाइंडिंग आ चुकी है, अब हम इनका डो तैयार करेंगे। तो आपको गुनगुना पानी लेते हुए बढ़िया से डो तैयार कर लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपको इसका डो तैयार करना है। फ्रेंड्स, यहाँ हमारा देख सकते हैं बढ़िया से डो तैयार हो गया है और ये बहुत ही सॉफ्ट है। अब हम अपने डो में से एक छोटा लोई ले लेंगे क्योंकि हमें मिनी समोसा बनाना है, तो उस हिसाब से छोटी सी लोई लेकर और इसी तरह से बेल लेना है बिल्कुल रोटी के शेप का, और चाकू से आपको इसका 2 हिस्से कर लेने हैं। 2 हिस्से हो चुके हैं हमारे, तो आपको 1 हिस्सा लेना है और आप बिल्कुल देख सकते हैं वीडियो में एक किनारे के हिस्से को और एक किनारे के हिस्से को दोनों को आपस में मिला के इस तरह से कोन के शेप में आपको दे देना है, और पानी से आप इसे पेस्ट कर सकते हैं ताकि आप अगर फ्राई करेंगे तो अंदर की फीलिंग गिरेगी नहीं। और अंदर आप आलू की जो स्टफिंग तैयार है उसे भर लीजिए। तो यहाँ मैंने आलू की स्टफिंग भर ली है और आपको इसका मुंह बंद कर लेना है पूरे साइड को दबाते हुए, किनारे किनारे से दबाते हुए आपको इसका मुंह बंद कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा एक मिनी समोसा तैयार हो चुका है और बिल्कुल बाजार की तरह आप जैसा देखते हैं समोसा बिल्कुल उसी तरह तैयार हुआ है। अब जो ये एक और पार्ट बचा था उसका भी आपको बिल्कुल दोनों साइड को किनारे ला के कोन का शेप देकर और अंदर स्टफिंग भर देना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, एक और हमारा मिनी समोसा तैयार हो गया। और इसी तरह से यहाँ देखिए मैंने बहुत सारे मिनी समोसे अपने तैयार कर लिए हैं और देखिए कितना खूबसूरत और कितना बढ़िया डिज़ाइन आया है इनका। बिल्कुल मार्केट में आप जैसे देखते हैं समोसा बिल्कुल उसी तरह से आया है। अब हमें इनको फ्राई करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं गैस की तरफ। तो अपने मिनी मिनी प्यारे प्यारे छोटे छोटे समोसों को फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है। अब ये बढ़िया से गर्म होने देते हैं। तेल हमारा बढ़िया से गर्म हो चुका है, तो अब हम बारी बारी से अपने छोटे छोटे मिनी मिनी समोसों को डालते हैं और गैस का फ्लेम मीडियम रहने देते हैं। मीडियम फ्लेम पे हमें इन समोसों को फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं हमारे समोसे में हल्का हल्का ब्राउन कलर आ चुका है और यहाँ हमारे समोसे पूरी तरह से क्रिस्पी और बढ़िया से रेडनेस आ गई है और ये फ्राई हो चुके हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है उनका। अब हम सेकेंड बैच इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने सेकेंड बैच डालना शुरू कर दिया है। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर इसी तरह हम अपने बाकी सारे मिनी समोसों को फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा सेकेंड बैच भी पूरी
से फ्राई हो चुका है, तो अब हम इन्हें एक अलग बर्तन में निकाल लिया है। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इनमें कलर है और क्रिस्पीनेस भी है, कितना बढ़िया लग रहे हैं ये हमारे बिल्कुल मिनी मिनी समोसे। और आप इन्हें चाहें तो सॉस के साथ, टोमेटो सॉस के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ ले सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और बिल्कुल नया लुक है। आप अगर समोसा जो मार्केट में आता है उसको उब गए खा के, तो ज़रूर एक बार मिनी समोसा थोड़ा लुक अलग करके ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही पसंद आएगा आपको। और ये आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अंदर की फीलिंग आई है, कितना टेस्टी लग रहा है अंदर का। तो फ्रेंड्स, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपको मिनी समोसा चाट की रेसिपी आज दिखाने वाली हूँ। तो समोसे तो हमारे तैयार हो चुके हैं, अब चलते हैं हम इनका चाट बनाने। तो यहाँ मैंने एक बिल्कुल मार्केट स्टाइल की तरह मैं बना रही हूँ, तो यहाँ मैंने एक पत्तल ले लिया है और उसमें मैंने दो समोसे डाल लिए हैं। अब इनको हम तोड़ लेते हैं बढ़िया से, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया मैंने यहाँ। अभी हम अपने छोले डालेंगे इनके ऊपर, ये मैंने पहले से बना लिया था, तो यहाँ मैंने छोले डाल दिए हैं। और यहाँ मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दिया है। अमचूर पाउडर डालने के बाद यहाँ मैंने बारीक कट किए हुए प्याज डाल दिया है। तो यहाँ हमने टोमेटो केचप डाल दिया है ऊपर से, आप ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं, टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं, दोनों डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें सिर्फ टोमेटो केचप डालना है। और यहाँ मैंने थोड़ा सा आलू भुजिया डाल दिया है। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हो चुका है हमारा चटपटा और बहुत टेस्टी मिनी समोसा चाट। आप चाहें तो ऊपर से धनिया गार्निश कर सकते हैं, पर मुझे धनिया चाट में उतना अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने स्किप कर दिया है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। आपको भी आ रहा होगा ना मुंह में पानी देखकर, ये मिनी समोसा चाट है ही इतनी बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी, बिल्कुल नए तरीके से। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत पसंद आएगा। बच्चों को नए तरीके से समोसा खिलाइए, बिल्कुल मिनी मिनी समोसा चाट, बहुत ही पसंद आएगा। और हम आज की हमारी मिनी समोसा चाट की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।